नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। अब सबको पता है कि बिहार की सियासत भी किस तरीके से गरमाई हुई है। देखा जाए कि आनंद मोहन, जिन्हें उम्र कैद की सजा मिली थी, वो अब पूरी तरीके से रिहाई के तौर पे बाहर आ चुके हैं। और देखा जाए कि उम्र कैद की सजा तो मिली, लेकिन बार बार पैरोल पर वो बाहर ही थे, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से। तो जेल में उन्होंने बहुत ही कम समय अपना काटा। अब यहाँ पर बाहुबली आनंद मोहन के नाम से जाने जाते हैं शख्स, जिनको अब रिहाई मिल चुकी है। और साफ तौर पे अब पूरी ही देखी जाए कि देश का निशाने पर यहाँ पर जो नीतीश कुमार है, जो CM है बिहार के, वो बने हुए हैं। यहाँ पर सारी पार्टियां कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरीके से नीतीश कुमार पे निशाना साध रही है। लेकिन बात करें उस परिवार की, जिस परिवार में एक दुर्घटना हुई थी और वो सिर्फ आनंद मोहन की वजह से हुई, वो परिवार लगातार अब नीतीश कुमार से अलग अलग तरीके की मांगे करता नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जी कन्हैयन की, यहाँ पर जिन्होंने जिस तरीके से वो DM थे, IAS थे, और उसके बाद यहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद यहाँ पर उसी जुर्म में आनंद मोहन को जेल भेज दिया गया। उम्र कैद की सजा उन्हें हो गई। लेकिन अब यहाँ पर बात की जाए उनकी बेटी और पत्नी की, तो लगातार यहाँ पर सरकार से अलग अलग तरीके की मांगे करती नजर आई। लेकिन बेसिकली जो मांग यहाँ पर रही है वो यही है कि जो विचार करके आपने जो फैसला लिया, उसको दोबारा विचार कीजिए और अपने फैसले को बदलिए। कुछ का और जनता का तो साफ तौर पे कहना है कि ऐसे CM को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार को हमें गिरा देना चाहिए, क्योंकि फैसला पूरी तरीके से गलत है। इस तरीके की तमाम जानकारियां सामने आ रही है। बता दें आपको कि यहाँ पर जो उनकी पत्नी है यानी कि उमा देवी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप प्लीज़ यहाँ पर कृपया करके विचार कीजिए, क्योंकि आपका फैसला पूरी तरीके से गलत है और यहाँ पर इस चीज़ों को बढ़ावा देना नहीं चाहिए। किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सजा देनी चाहिए। अब माना ये जा रहा है कि नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि आनंद मोहन के बाहर आने से उनकी जो सरकार है वो और मजबूत होती नजर आएगी, जनता उनका समर्थन करेगी, लेकिन ऐसा अभी तक तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। पहले तो कहा जा रहा था कि 10 या 12 बजे तक वो यहाँ पर जेल से बाहर निकलते नजर आएंगे, लेकिन खबर आई कि 7 बजे सुबह उन्हें जेल से बाहर कर दिया गया। अब यहाँ पर तमाम तरीके के बयान भी सामने आए। उनकी बेटी पद्मा ने भी साफ तौर पे यही कहा कि रिहाई पर मैं दुख जताती हूँ, मुझे फैसला सही नहीं लगा और मैं यहाँ पर मांग करती हूँ सरकार से, क्या तो अपनी पद छोड़ दीजिए या फिर यहाँ पर उस फैसले को वापस ले लीजिए, ये बात यहाँ पर कहते नजर आए। अब देखा जाए कि यहाँ पर जो कृष्णैया थे वो 1985 बैच के यहाँ पर IAS अधिकारी थे, और 1994 में उग्र भीड़ ने ही यहाँ पर उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी थी 5 दिसंबर, और जिसका पूरी तरीके से जो यहाँ पर हमलावर था, जो पूरी तरीके से यहाँ पर निशाने पर था, वो था आनंद मोहन। इस तरीके की तमाम जानकारियां लगातार सामने आती हुई नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी भी जनता के मन में यही सवाल बना हुआ है कि आखिरकार यहाँ पर आनंद मोहन को जब उम्र कैद मिली तो वो पैरोल पे बाहर क्यों थे, और जब उम्र कैद ही मिली तो उनकी रिहाई कैसे हो गई। साफ तौर पे देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कराए, नीतीश कुमार वही पार्टी जो पहले BJP के साथ गठबंधन में थी, लेकिन फिर उसके बाद वो अलग अलग होते नजर आए, और अब पूरी तरीके से सारी पार्टियों के निशाने पर नीतीश कुमार बन चुके हैं। और बिहार में जीतना आनंद मोहन की रिहाई के बाद कहीं ना कहीं मुश्किल होता नजर आएगा। ये बात रही चुनावों की, लेकिन देखा जाए उस परिवार की ओर जो लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहा था, जो बेटी अपने पिता को खो चुकी है, जो पत्नी अपने पति को खो चुकी है, उसके यहाँ पर जिस तरीके से हत्यारे की बात की जाए तो वो अब बाहर खुलेआम घूमेगा, तो उसको लेकर लगातार सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। लेकिन आपकी क्या राय है, क्या ये फैसला सही है या फिर इस फैसले को जल्दी वापस लेना चाहिए? और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।